गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि क्लास नाइन्थ की इंग्लिश में हम लोग जो है लेसन 13 आज की क्लास में पढ़ेंगे, और लेसन 13 जो है उसका नाम है बॉन्ड ऑफ लव। ठीक है, ये एक प्ले है और इससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है, क्योंकि पूरा चैप्टर तो हमारे पास इस 40 मिनट के पीरियड में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम इस चैप्टर के कैरेक्टर्स को जान लेते हैं, चैप्टर का मीनिंग जान लेते हैं, और हम लोग जो है इसके वोकैब को जान लेते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड कौन से यूज हुए हैं जिनका मीनिंग समझने में हमें दिक्कत होगी, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, प्लस हम इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि क्लास नाइन्थ में 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो टेक्स्ट बुक से होते हैं, पोएट्री बेस्ड होते हैं, 4 प्रॉज बेस्ड होते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर हम लेसन को ध्यान से सुनते हैं और लेसन के ऊपर ध्यान देते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई टेक्स्ट बुक को पढ़े। सिर्फ आप ध्यान से स्टोरीज को सुन लें, आप ध्यान से कैरेक्टर्स को पहचान लें, चैप्टर को पहचान लें, तो आप उसके आंसर दे सकते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर लेसन 13 है वो है बॉन्ड ऑफ लव। ये एक शॉर्ट प्ले है और इसका मीनिंग यहीं पर हम लोग बता सकते हैं कि ये बॉन्ड मीन्स होता है बंधन, रिश्ता, और लव मीन्स होता है प्यार। तो यहाँ पर ये चैप्टर है पूरा एक बॉन्ड ऑफ लव के ऊपर ही डिपेंड है, एक त्यौहार के ऊपर डिपेंड है जो हम लोग मनाते हैं इंडिया में, उसको रक्षाबंधन बोलते हैं। और शायद सभी बच्चों को मालूम होगा कि रक्षाबंधन के दिन हम लोग जो है हमारा जो अफेक्शन शो करते हैं, जो हमारा लव शो करते हैं हमारे सिस्टर की तरफ, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है जिसको हम लोग राखी बोलते हैं, और उसको रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। वो बांधा जाता है भाई के हाथ पर बहनों के द्वारा, ताकि वो उनसे अपनी रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, या अपने गाइडेंस के लिए हमेशा उनसे हेल्प ले सकें। तो इस चैप्टर में यही हम जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर के कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर में आपको जो कैरेक्टर्स मिलेंगे वो कुछ इस तरह से मिलेंगे कि सबसे मेन कैरेक्टर जो है वो है एम्परर हुमायूं, मुगल एम्परर है वो हुमायूं। एंड सेकेंड कैरेक्टर जो है इम्पोर्टेंट वो है रानी कर्णावती। रानी कर्णावती जो है वो ही है जो रक्षा सूत्र राजा हुमायूं को भेजती है। तो ये हम स्टोरी में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा जो कैरेक्टर्स हैं वो उसके एक चीफ मिनिस्टर भी होंगे, सलामत करके उनका नाम दिया हुआ है, सलामत अली। पेज एक उनका नौकर है, मेल सर्वेंट को पेज बोला गया है इसमें, इस बुक में आपने, तो उसको ध्यान से देखेंगे। इसके अलावा जो है वो मैसेंजर है। मैसेंजर वो पर्सन है जो मैसेज लेकर आता है। रानी कर्णावती का मैसेज होता है, और रानी कर्णावती का मैसेज किसके लिए होता है? हुमायूं के लिए होता है। तो वो मैसेंजर का रोल भी है इसमें। एम्परर हुमायूं का है, क्वीन रानी कर्णावती का है, और पेज है, और सलामत अली जो उनका चीफ मिनिस्टर है। तो आप लोग जो है एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले तो मुझे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दीजिए। जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं आप मुझे बताएंगे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो हमने इस प्ले में अभी बात की हुई, कोई बताएगा मुझे? अपना माइक लेकर बता सकते हैं किन किन कैरेक्टर्स की हम लोगों ने बात की, आप बताएंगे? बॉन्ड ऑफ लव जो हमारा प्ले है इसमें हम लोगों ने किन किन कैरेक्टर्स की बात की हुई है, क्या कैरेक्टर्स के नाम आप बता पाएंगे मुझे? मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आपसे पूछा जाएगा इनके बारे में। और ये भी बता दूं, मुगल एम्परर थे जो रानी कर्णावती है वो उदयपुर की रानी है। और वो ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वन वर्ड में कि रानी कर्णावती जो है किस राज्य की रानी थी या कहाँ की रानी थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या ये पूछा जाता है कि उदयपुर की क्वीन कौन थी, तो हमें ये याद होना चाहिए कि वो रानी कर्णावती थी। और उदयपुर किसको बिलोंग करता था, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि उदयपुर जो है वो किसके अंडर में आता था, तो वो राजपूत किंगडम के अंदर आता था, राजपूतों के अंदर आता था, तो राजपूत किंगडम के अंदर आता है। तो ये क्वेश्चंस वन वर्ड में होते हैं, तो आपको इसलिए चीज ध्यान से सुननी है, स्टोरी पर ध्यान देना है। ठीक है, कोई बताएगा मुझे? मैंने क्वेश्चन पूछा है, कोई माइक लेकर बताएंगे कौन कौन से कैरेक्टर्स मैंने बताए, किन जगह का नाम बताया, किस किंगडम का नाम बताया? बच्चे सुन पा रहे हैं जैसे मैं देख पा रहा हूँ? रीवा के बच्चे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए, मंदसौर में बैठे हुए हैं,
काची रायसेन, अपना माइक लेकर मुझे जवाब दें। अभी हम लोगों ने कौन कौन से कैरेक्टर्स की बात की, यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टर की बात की हम लोगों ने? सर हुमायूं, बिल्कुल करामत, हुमायूं कौन था? हुमायूं कौन था? हेलो सर, हाँ हुमायूं कौन था ये बताएंगे आप मुझे? हाँ सर, हुमायूं मुगल, मुगल सम्राट सर। बिल्कुल मुगल सम्राट, मुगल एम्परर था, बिल्कुल वेरी गुड बेटा। और सर उसमें करामत, रानी कर्णावती। हाँ हाँ जी, और सर वो कौन थी रानी कर्णावती? सर वो कमांडर थी, वो इसका कमांडर थी। बाप रे, गलत बात है बेटा, रानी कर्णावती वो रानी थी तो फिर कमांडर कैसे हुई? उदयपुर की रानी थी वो, ठीक है ध्यान से सुनो। इसलिए कैरेक्टर्स को पता, ये वन वर्ड में क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना कि रानी थी कर्णावती। ओके सर, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग स्टोरी को थोड़ा सा और समराइज करते हैं। तो आप नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे स्टोरी की शॉर्ट समरी लिखी हुई है, तो वो देखिए हम लोग इसको पढ़ भी सकते हैं, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं, मैं भी आपके लिए इसको रीड करूंगा। इट्स अ शॉर्ट प्ले ऑन फेमस इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये एक छोटा सा नाटक है, नाट्य रूपांतरण है। एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, एक जो घटना हुई थी बहुत फेमस थी, वो हमारे भारतीय इतिहास में दर्ज है, लिखी हुई है। क्या थी वो? यहाँ जो घटना है वो किनके बारे में? हुमायूं वॉज ए ब्रेव एंड ए नोबल एम्परर ऑफ इंडिया, ये हमारे यहाँ के सम्राट थे हुमायूं। वंस द क्वीन ऑफ उदयपुर रानी कर्णावती सेंट हिम राखी, एक बार उदयपुर की रानी कर्णावती ने वहां मुगल सम्राट हुमायूं को एक रक्षा सूत्र, ये राखी जो है, भेजी थी। जब राखी का मतलब हुमायूं को समझाया गया कि भाई राखी का महत्व क्या होता है इंडिया में, ये क्यों बांधी जाती है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी जिम्मेदारियां क्या क्या है, तो ये जब समझाया गया तो वो बहुत इम्प्रेस हुए। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि यार एक छोटे से बंधन से इतना बड़ा बॉन्ड जो है एक बन जाता है, संबंध हो जाता है, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हुमायूं एक्सेप्टेड इट, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कंसिडरिंग इट अ थ्रेड ऑफ लव फ्रॉम रानी कर्णावती। उन्होंने उसको एक रक्षा सूत्र, प्यार से दिया हुआ धागा राखी समझकर उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ही हेल्ड हर लाइक हिज सिस्टर। जब ये पूरी कहानी जब खत्म होती है तो आप देखेंगे कि लास्ट में वो अपने सेनापति से बोलते हैं, करामत अली से बोलते हैं कि हमारी सेना तैयार करो और हम उदयपुर जाएंगे, और उदयपुर जाकर जो भी रानी की समस्या है, किसी रानी के साम्राज्य की, हम हमेशा रक्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मैंने अपनी बहन मान लिया है। उन्होंने जो लाल धागा, रेड थ्रेड इसमें बोला गया है, वो एक बहुत बड़ी चीज है जो मेरे को भेजी है और मैंने उसको एक्सेप्ट करते हुए उनको अपनी बहन मान लिया है, इसलिए हम उनकी रक्षा करेंगे। और तो और राजा हुमायूं इतने ज्यादा प्रभावित हुए, इतने इमोशनल हुए कि उन्होंने कहा कि सेना को मैं खुद लीड करूंगा। वो खुद उसके साथ गए, जबकि वो चाहते तो अपने सेनापति को भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खुद सेना के साथ जाऊंगा और उनकी वहां पर रक्षा करूंगा, मदद करूंगा। तो ये छोटा सा नाटक है जिसमें ये शॉर्ट मैंने स्टोरी या आपको समरी बनाई, इतना कुछ हमने इसमें कवर किया हुआ है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें जो आपको वर्ड्स मिलेंगे उसमें कुछ कठिन वर्ड्स आपको ये मिलेंगे। एक तो वर्ड मिलेगा जेनरोसिटी, जनरस होना, व्यवहार से अच्छा होना, व्यवहार कुशल होना, गुड बाय बिहेवियर, ठीक है। अगर किसी का व्यवहार अच्छा है तो हम उसको बोल सकते हैं इज ए जनरस पर्सन। देखो इसका हम सेंटेंस में भी यूज करते हैं, जनरस मीन्स होता है वन हु इज गुड बाय हिज बिहेवियर। तो जेनरोसिटी मतलब होता है अच्छा व्यवहार दिखाना किसी के प्रति। जो एक वर्ड इसमें आपको अजीब लगेगा, आप लोग पेज वर्ड सुनते आए हैं, इसमें जो वर्ड पेज यूज हुआ है वो एक बॉय सर्वेंट के लिए यूज किया गया। आप देखेंगे जब स्टोरी शुरू होती है तो जैसे ही वहां सीन जब शुरू होता है तो वहां पर मुगल एम्परर हुमायूं बैठे हुए होते हैं, सलामत उनके जो सेनापति थे वो उनके साथ खड़े होते हैं। तभी एक लड़का वहां दौड़कर आता है और ये सूचना देता है कि उदयपुर से कोई मैसेंजर आया हुआ है,
वो जो लड़का है वो पेज था, उसी को नाम दिया हुआ है स्टोरी में पेज, अ बॉय सर्वेंट। नेक्स्ट वर्ड जो इम्पोर्टेंट है, हेजिटेशन। इसमें वर्ड मिलेगा आपको हेजिटेशन। हेजिटेट करना मतलब डाउट रखना मन में। हेजिटेशन मीन्स टू बी इन डाउट, है ना। डाउट की सिचुएशन को हम लोग हेजिटेशन बोलते हैं। एक और वर्ड है जो शायद आपके लिए नया होगा इस चैप्टर में, वो है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस शगुन होता है वैसे हिंदी में अगर देखा जाए तो, और शुभकामनाएं भी होती है, गुड विशेस भी होती है, है ना। तो ऑस्पिशियस एक सिचुएशन को हम बोल सकते हैं, सच एन ऑस्पिशियस सिचुएशन। एक शगुन बड़ा या अच्छा माहौल या अच्छी विश जो होती है वो ऑस्पिशियस होती है। नेक्स्ट एक वर्ड है जो भी शायद आपके लिए नया होगा, वो वर्ड है पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, विचार करना किसी चीज के ऊपर। टू थिंक ओवर समथिंग इज कॉल्ड एज पॉन्डर। किसी चीज के ऊपर सोचने को हम लोग पॉन्डर बोलते हैं। सिर्फ पांच ही मैंने शब्द बताए और ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे लेसन में जो शायद आपको नहीं मालूम होंगे, तो हम लोग ध्यान से इन वर्ड्स को रिवाइज करेंगे। देखिए एक बार मैं हिंदी में भी बताऊंगा भी नहीं। जनरस होना मतलब व्यवहार कुशल होना। पेज एक सर्वेंट, एक नौकर होता है, जो कोई मेल नौकर जो होता है, लड़का होता है या नौकर होता है वो पेज कहलाता है। हेजिटेशन होना मतलब हिचकिचाना, डाउट होना, संदेह होना, संदेहपूर्ण स्थिति होना। ऑस्पिशियस मतलब होता है शगुन होना, अच्छा मुहूर्त होना, अच्छी विशेष होना, शुभकामनाएं भी हो सकता है। पॉन्डर जो होता है मतलब सोचना होता है। अब मैंने दो बार इन वर्ड्स को एक्सप्लेन किया, इनको सेंटेंस में यूज करना बताया। अब मैं क्लास में बैठे बच्चों से पूछना चाहूंगा, जो बच्चे माइक उठाकर मुझे जवाब दे सकते हैं प्लीज, अगर आप चाहें तो मुझे जवाब दे सकते हैं, ठीक है। जैसे इंदौर के बच्चों को मैं देख पा रहा हूँ बैठे हुए, देवास में बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, रीवा में बच्चे बैठे हुए, तो प्लीज आप बताएं ये वर्ड का एक बार। कोई मुझे एक एक करके अलग अलग जगह से मुझे एक एक वर्ड का मीनिंग आपको जो समझ में आया बता सकते हैं। अपना माइक लें अपने टीचर से, मैंने वर्ड आपको एक्सप्लेन किए हैं तो आप मुझे क्या इनका मीनिंग दोबारा बता सकते हैं। ये लेसन में आपको पढ़ते वक्त ये शब्द मिलेंगे, जब आप क्लास में रीडिंग करेंगे तब। कहाँ से बोल रहे हैं? कोई जवाब नहीं देना चाहता, मतलब आपको समझ में नहीं आया या आप पढ़ नहीं रहे वहां बैठे। रीवा, एमपीएस रीवा, क्या यहां से कोई मुझे जवाब देगा इन वर्ड्स का? एमपीएस सांची रायसेन, देवास बागली देवास, एमपीएस बागली देवास, वहां से क्या जवाब मिलेगा मुझे? हेलो सर, कहां से बोल रहे हैं आप? हाँ सर, सर पहले का, सर पहले का उदार का, उदार का होता है। वेरी गुड, और सर दूसरे का नहीं है पता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हेजिटेशन। बाल परिचय, बाल परिचय तो वो पेज का बता। सर परिचय, परिचय, हाँ परिचय, बाल परिचय, हाँ कोई होता तो परिचय बोलते बाल परिचय। वर्ड है हेजिटेशन। सर आवाज सही से नहीं आ रही, आपकी आवाज मुझे आ रही है। आपकी आवाज मुझे आ रही है, तीन वर्ड और हेजिटेशन का है हिचकिचाहट। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला वर्ड ऑस्पिशियस, सर उसका है शुभ शगुन, सर किसी को विशेष देना। ओके अगला वर्ड पॉन्डर, सोचना। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हो बेटा? सांची रायसेन सर। हाँ बहुत अच्छे बेटा, आपको सब समझ में आया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे।
देखिए आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसमें देखिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, छोटे से एक वर्ड को याद करना है और आपको आंसर याद हो जाएगा। या अगर आप स्टोरी को ध्यान से पढ़ते हैं या स्टोरी को आपने ध्यान से सुना होगा तो आप लोग जो है इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु हैज सेंड द मैसेंजर। इसका आंसर आप लोगों को वैसे ही आना चाहिए, मैसेंजर को किसने भेजा था, तो संदेश लेकर आया था हुमायूं के पास, उसको किसने भेजा था, तो आप आंसर में देख सकते हैं यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, बस क्या नाम लिखा हुआ है, क्वीन कर्णावती हैज सेंड द मैसेंजर। समझ में आया आप लोगों को, तो यहाँ पर सिर्फ हु की जगह पर एक नाम लिखना है आपको और कुछ नहीं करना है और आपका जो है आंसर पूरा हो जाएगा और सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु हैज सेंड द मैसेंजर। आंसर है क्वीन कर्णावती हैज सेंड द मैसेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द किंगडम टू विच उदयपुर बिलोंग्स। उदयपुर जो है किस किंगडम में आता था, ये भी मैंने आपको स्टोरी सुनाते टाइम बताया था, उदयपुर बिलोंग्स टू राजपूत या राजपूताना किंगडम। ये उदयपुर किसको बिलोंग करता था, वो राजपूतों को बिलोंग करता था, इसी किंगडम का नाम आएगा। तो इसमें भी हमने सिर्फ किंगडम का नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज कर्णावती, व्हाई डिड हुमायूं कॉल द रेड थ्रेड अ बिग थिंग। ये देखिए चार नंबर के लिए ये क्वेश्चन आता है कई बार, तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कर सकते हैं, ये आपको 100% 4 marks भी आता है। बाकी जो ऊपर के दो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं, एक एक नंबर के। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो शायद पहले का नाम सभी को मालूम होगा, हु वाज कर्णावती, कर्णावती कौन थी, वो उदयपुर की महारानी थी या रानी थी। तो हम लोग इसका आंसर भी देखेंगे बात। और इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड हुआ है, व्हाई डिड हुमायूं कॉल रेड थ्रेड अ बिग थिंग। हुमायूं ने जो धागा रानी कर्णावती ने भेजा था, लाल धागा रेशम का भेजा था, उसको एक बहुत बड़ी चीज क्यों बताया था, हुमायूं ने उसको बहुत बड़ा क्यों बताया था। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर, आंसर है कर्णावती वॉज क्वीन उदयपुर। पहले क्वेश्चन का आंसर है हु वॉज कर्णावती, तो आंसर है कर्णावती वॉज क्वीन ऑफ उदयपुर, वो उदयपुर की महारानी थी। ये चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं बेटा, ये आपको ये क्वेश्चन को नोट भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं देख रहा हूँ जैसे एमपीएस के बच्चे नोट कर रहे हैं, बेटा आप नोट करके ये पता जरूर इशारा कर दें हाथ का कि हमने नोट कर लिया। क्या आप लोग इसी साइड के नोट किए थे क्या? अगर आप कहेंगे तो मैं पिछली स्लाइड एक बार फिर बता सकता हूँ। तो जो लोग बच्चे नोट कर रहे हैं उनको नोट करना, कर्णावती वॉज क्वीन ऑफ उदयपुर, हुमायूं कॉल्ड द रेड थ्रेड अ बिग थिंग बिकॉज इट वॉज अ बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन। इट वॉज अ बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन। अगर आप लोगों ने लिख लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये भी कई बार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ हुमायूं, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ हुमायूं। तो हमें यहाँ हुमायूं के बारे में लिखना है इस चैप्टर के आधार पर। तो देखिए जो हमने समरी में पढ़ा था वैसा ही कुछ है, हुमायूं वॉज ए मुगल एम्परर,
हुमायूं जो थे मुगल सम्राट थे. He was a noble man. यहाँ पर हम लोग नोबल एंड ब्रेव भी लिख सकते हैं. नोबल एंड ब्रेव. ही वॉज अ नोबल मैन. वो बहादुर थे, एक अच्छे व्यक्ति थे. ही हेल्प रानी करना, उन्होंने रानी कर्णावती की मदद की. ही एक्सेप्टेड कर्णावती रेड थ्रेड, उन्होंने रानी कर्णावती द्वारा भेजी गई राखी लाल धागा एक्सेप्ट कर लिया था. एंड प्रॉमिस टू हेल्प हर एंड प्रोटेक्ट हर एज हर हिज सिस्टर. और उसको ये वचन भी दिया था मैसेंजर के द्वारा कि वो उसके साम्राज्य की उदयपुर की और रानी कर्णावती की मदद करेगा और उनकी रक्षा करेगा जैसे एक भाई अपने बहन की रक्षा करता है वैसे. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, प्ले था, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी थी. आप लोगों ने सबने सुनी, मैंने उसकी समरी बताई आप लोगों को, मैंने उससे रिलेटेड आपको वोकैब के क्वेश्चंस बताए. और हम लोगों ने ये भी देखा कि इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अगर आ सकते हैं परीक्षा में तो वो कौन से हो सकते हैं, और इसमें अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे परीक्षा में तो वो कौन से हो सकते हैं. तो हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये देखा कि कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों ने वन वर्ड के हिसाब से भी देखा. एक बार मैं पिछली स्लाइड पे जरूर जाऊंगा वापस ताकि आपको ये पता चल जाए कि शॉर्ट आंसर्स कौन से थे. जिन लोगों ने नोट नहीं की वो नोट कर सकते हैं इनको. हु हैड सेंट द मैसेंजर, ये अक्सर पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है. तो इसमें बहुत सारे नाम आपको दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए. आपको ध्यान होना चाहिए कि मैसेंजर को किसने भेजा था, वो रानी कर्णावती ने भेजा था. नेम द किंगडम टू विच उदयपुर बिलोंग्स, वो राजपूत किंगडम के अंडर में बिलोंग होता था इसलिए उसको राजपूताना किंगडम लिखा हुआ है. और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही. हु वॉज कर्णावती, वाई डिड हुमायूं कॉल्ड द रेड थ्रेड अ बिग थिंग, ये दो क्वेश्चन एक साथ दिए हुए हैं, दोनों के दो आंसर हम देते. तो आपने देखा होगा पिछली स्लाइड में हमने इनके जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें इसका आंसर हमने दिया है. वो आंसर देखिए, कर्णावती वॉज क्वीन ऑफ उदयपुर, हुमायूं कॉल्ड द रेड थ्रेड अ बिग थिंग बिकॉज इट वॉज अ बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ हुमायूं. हुमायूं वॉज ए मुगल एम्परर, ही वॉज ए नोबल मैन, He helped Rani Karnavati. He accepted Rani Karnavati's red thread and promised to help her and protect her as his sister. अब मैं आप लोगों से कुछ questions पूछने वाला हूँ lesson के आधार पर जो मैंने पढ़ाया आपको और बताया, उसी के आधार पर आप questions को ध्यान से देखेंगे. तो अब जो हमारे क्वेश्चंस होंगे तब आपको स्लाइड नहीं दिखेगी क्योंकि अगर देखेंगे तो आप उसी से आंसर देंगे. अब आप देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा, जिसको भी आंसर देना है वो अपना माइक चालू करके आंसर दे सकते हैं. हु वॉज रानी कर्णावती, रानी कर्णावती कौन थी, हु वॉज रानी कर्णावती, प्लीज आंसर द क्वेश्चन. एमपीएस रीवा, सावेर, इंदौर, बच्चे अगर आप सुन रहे हैं तो आंसर दीजिए क्वेश्चन को. एमपीएस नसरुल्लागंज, सीहोर. हेलो, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? सर बागधार. हाँ बागधार से बोल रहे हैं, मैं आप पढ़ाऊँ बताइए. हु वाज रानी कर्णावती, कर्णावती वाज क्वीन ऑफ उदयपुर. क्वीन ऑफ उदयपुर, वेरी गुड. बेटा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार, आपको एक से ज्यादा नाम देकर ऑब्जेक्टिव में भी इसको पूछ सकते हैं. एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए आप इसको, एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए कि उदयपुर जो है वो किस किंगडम का था, उदयपुर बिलोंग्स टू विच किंगडम. राजपूत. राजपूत किंगडम, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड बेटा, थैंक यू.
तो आपको समझ में आया जो मैंने बताया चैप्टर का एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी मैंने बताई, आपको समझ में आई वो स्टोरी? यस सर, समझ में आया। क्या आप मुझे एक बार स्टोरी में भाग लेने वाले कैरेक्टर्स के नाम बता पाएंगे, किस किस ने, किस किस का नाम मैंने इस स्टोरी में लिया था? यस सर। आप बताइए प्लीज। हुमायूं। हुमायूं कौन था? रानी कर्णावती। हु वाज हुमायूं? मुगल साम्राज्य का राजा। ना, मुगल साम्राज्य का हम बोल सकते हैं, मुगल एम्परर था क्योंकि वो उस समय भारत में ही था, है ना? तो इंडियन इंडिया में ही था एंड ही वाज अ मुगल एम्परर, है ना? ठीक है, तो आपने बताया हुमायूं था, और कौन था? रानी कर्णावती। रानी कर्णावती, इसका भी आपने उत्तर मुझे दिया। रानी कर्णावती कहाँ की रानी थी? उदयपुर की। उदयपुर की, सब बच्चे सुनेंगे ध्यान से, बहुत अच्छे आंसर हमें मिले। और कौन कौन थे? करामत। करामत अली था, वो उनका कौन था? सेनापति। यस सर। और इसके अलावा? पेज। पेज था जो कि बॉयस सर्वेंट था। और मैसेंजर। मैसेंजर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थैंक यू, बैठ जाइए आप, थैंक यू, दैट्स ग्रेट। देखो अब मुझे लग रहा है हमें एमपीएस बागधार से हमें ये पता चला कि वहाँ के बच्चों को सब समझ में आया क्योंकि वो ध्यान से बैठकर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या मुझे कोई दूसरा बच्चा कहीं से, जैसे मैं देख रहा हूँ एमपीएस सिडनी के बच्चे बैठे हुए हैं और लिख भी रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खड़े होकर जवाब देंगे? एमपीएस सिडनी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ बेटा? माइक चालू है आपका, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? एमपीएस सिवनी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे क्या? एमपीएस रीवा, रीवा के बच्चे भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो क्या आप क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे? कौन आंसर देगा मुझे, खड़े होकर माइक ले लीजिए आपके टीचर से। कोई जवाब देगा मुझे? एमपीएस सेवा, माइक नहीं चल रहा है आपका, चलिए कोई बात नहीं सर, थैंक यू। सावेर इंदौर से अगर मुझे जवाब मिलेगा तो अच्छा लगेगा, आप बताएंगे मुझे क्या मैंने क्वेश्चन पूछे आपसे? तो देखिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो आपको ध्यान ये रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इस चैप्टर को पढ़ते वक्त इस तरह से क्वेश्चन प्रिपेयर करना है कि एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं और दूसरी बात है एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर में आने के लिए है, तो आप ध्यान से जो दो क्वेश्चन मैंने लिखवाए उसको अच्छे से करना ही है, और आपको क्लास में जो टीचर्स टेक्स्ट में क्वेश्चन लिखवाते हैं वो भी करना है। इसके अलावा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने बताए वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहे, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करना है, और इस चैप्टर की एक बार जब क्लास से रीडिंग होगी तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि समरी मैंने आपको बताई है शॉर्ट समरी, ये बहुत शॉर्ट में मैंने बताया था, ये पूरा का पूरा प्ले है, आप चाहें तो क्लास में अपने टीचर की मदद से इसको एक्ट भी कर सकते हैं, बच्चे अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले कर सकते हैं, कोई हुमायूं बन जाए, कोई मैसेंजर बन जाए, कोई रानी कर्णावती बन जाए, कोई उनका जो है चीफ मिनिस्टर या उसका सेनापति बन जाए, और इस तरह से आप इसको क्लास में वन एक्ट भी कर एक्ट भी कर सकते हैं प्ले की तरह, क्योंकि ये प्ले है और इससे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप लोगों को इसमें मेहनत करना है और इन क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है? अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास शुरू होगी उसके लिए आप तैयार रहें, थैंक यू।